TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. कार के ड्राइवर का नाम कपिल शेखावत है। कपिल शेखावत कौन है? जो कोई भी है, ये इंसान माँ से जुड़ा और इसी को माँ ने कहा होगा मेरा पर्स चुराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि रुद्र उनके इस खेल में बहुत पहले से शामिल है। तुम मंजरी माँ से पहली बार कब मिले और तुम्हें कब पता चला कि तुम ही रुद्र कुंद्रा हो? तुम्हारा कल्याण हो, सदा सौभाग्यवती रहो। अनर्थ, घोर अनर्थ। सिद्धि और विनायक के जीवन पर ये काला साया कौन है? इन लम्हों के दामन में बाकी जैसे रिश्ते कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते मैं ये होने नहीं दे सकता। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी विन के नाम जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। इससे पहले कि माँ ये सारी प्रॉपर्टी अपने सगे बेटे रुद्र के नाम कर दे, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। सूप तो एकदम मस्त साला होता। हूं अरे देवा अपना घर साफ करने के लिए हाथ तो गंदा करना ही पड़ेगा। माँ आज मैंने आपके सामने आपका ही तरीका अपनाया है क्योंकि आज मेरे लिए तरीके से ज्यादा नतीजा मायने रखता है। तुम दोनों देखना तुम्हारे ये लम्हे मैं कैसे बेचैनी में बदल देता हूँ। देख बेटा विन कुंजा, अब तेरे पैरों तले जमीन कैसे खिसकती है। इतनी रात को सड़क में इतनी रपचिक लड़की नहीं, रात में कोई लड़की लड़की नहीं होती है भाई। ये क्या बदतमीजी है? कैसे हुई सिद्धि को छूने की? मेरे अलावा उसको कोई नहीं छू सकता। कार हुआ ठीक से? अब इस सिलेंडर के साथ साथ तू भी जलकर राख हो जाएगी। मैडम जी, वो हम तो सिलेंडर रिपेयर करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा गैस सिलेंडर तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें किसने बुलाया? हम तो बस वो रूटीन चेकिंग के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। गौरी जी। चाची जी तुम यहाँ? शंकर तुझे आवाज दे रहा था। पर चाची जी मैं खाना बना रही थी। हो सकता है शंकर को किसी चीज की जरूरत हो, जा जाके देख ले, छोड़ दे खाना। अच्छा ठीक है। फिनू फिनू ये क्या मजाक है? तुम यहाँ पर कब आए वर्कआउट करने? मुझे लगा तुम अपने कमरे में हो। तो क्या हुआ? मैं तो बस वैसे वर्कआउट करने के लिए आ गया था। लो मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी और तू यहाँ है। अब इन्हें मुझसे क्या चाहिए?
क्यों माँ, आप मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही थी? अरे मैं ये बताने के लिए ढूंढ रही थी कि बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का महाराष्ट्रियन खाना खाए। बल्कि शंकर भी कह रहा था कि सिद्धि से कहो कि आज महाराष्ट्रियन खाना बना दे। तो हम चाहते हैं कि आज किचन तू संभाले। वांग्याची भाजी, वरण भात आणि शिरा, ठीक है ना? और सुन, बिल्कुल वैसे बनाना जैसे तेरी आई सविता बनाया करती थी, ठीक है? क्या बात है, ऐसे खाने का नाम सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ गया, सच बता रहा हूँ। तू सोच रही होगी ना कि मुझे अचानक ऐसे क्या हो गया जब मैं तुझसे खाना बनवा रही हूँ, तुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। यही सोच रही थी मैं कि जो लड़की आपको इतनी तकलीफ पहुंचाती है, जिसे आप प्यार से बात नहीं कर सकती, जिसकी तरफ देख नहीं सकती, उसके हाथ का खाना कैसे खा सकती? क्या है ना, कभी कभी दुश्मन की भी कुछ कुछ बातें प्यारी लगती हैं। अब देखना, सविता कितना अच्छा खाना बनाती थी और तू उसकी बेटी है, मेरी बहू है, तो एक सास होने के नाते इतना तो हक बनता है ना मेरा कि मैं तुझे खाना बनाने के लिए कह दूं। माँ, आपको मेरे हाथों से खाने का मन है ना? मुझे पता है आपको मेरे हाथ का स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन खिलाकर तो मैं रहूंगी। वाह क्या बात है, अब तो तुम्हें भी ना मुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। किसी ने लॉकेट पहना हो तो मेरा ध्यान जरूर जाता, कैसे पता करूं मैं? हमारा खानदानी लॉकेट दोबारा से बनवाना था, मैं तस्वीर साथ में लाई, जरा एल्बम दीजिए। सरला, सेम टू सेम सरला, आपका नाम क्या है? गंगाराम। गंगाराम? चाची कौनो जरूरत नहीं है। क्या भैया? क्यों बेचे? तुम ठीक तो हो? अशोच है, बेस्ट कपल इटली जोड़ा, ये तेरा बहना है क्या? अब हमारा रिश्ता नहीं रहा। लेकिन तेरे दिल में तो ये अब तक है, वरना ये कब फेंक नहीं देती तू। रुक जा, इसका साया तक यहाँ नहीं पड़ना चाहिए, कह देते हैं हम। माही, किसी से नहीं मिला, भाग यहाँ से। चल, आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ठोक दे इसको, तुम्हारा टंटा खत्म। मैं तेरी बेटी अंगूनी की बात कर रहा हूँ। मैं क्या हुआ, कहाँ है, कैसी है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, हमने अभी उसे किडनैप किया है बस। लेकिन अगर तू 50 लाख रुपए लेके नहीं आया ना। नहीं, मैं 50 लाख क्या, मैं 1 करोड़ रुपए लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अपने माता पिता की अंतिम इच्छा की पूर्ति हेतु अपनी जाति का प्रमाण प्राप्त करने आए सुदामा पर काशी में गिरती है ब्राह्मणों के अहंकार की गाज। यदि तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो तो तुम्हें जहाँ कहीं चांडाल, पशु और शूद्र दिखाई दे उसे दंडवत प्रणाम करना। वृंदावन वासियों को ढोंगी पौंड्रिक के षड्यंत्र से बचाने हेतु श्री कृष्ण करते हैं राधा और गाऊ के संग एक नई योजना का निर्माण। एक वादा कर सकते हैं आप लोगों से, हमको चाहे अपना जान भी देना पड़ेगा ना, हम जान दे देंगे, लेकिन मैडम जी पे हम एक आँच आने नहीं देंगे। मिस्टर जी, आप बिना काय अंधेरे में भजन गा रहे हैं।
मिस्टर जी, बाबूजी भी दिखाई नहीं दे रहे।